देखिए एग्जैक्ट डेट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 4-5 महीना पहले यहीं पर एक सोनार का जो दुकानदार था उसको गोली मारकर हत्या कर दी, और फिर यहीं पर इस मंगलम पलाई में गोली चलने की घटना, ये बड़ी दुखद है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन के इकबाल पर सवालिया निशान लग गया है। ये कानून व्यवस्था ठीक रहती है तो हर अपराध करने वाला अपराधी वो डरता है, लेकिन डर और भय समाप्त हो गया है। उन्हें लगता है कि हम कोई भी क्राइम करेंगे तो बच जाएंगे। पुलिस आश्वासन देती है, लेकिन दिन दहाड़े 12-12 बजे इस तरह की घटना, ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती है, और प्रशासन में जरा सा भी हया और लिहाज है तो उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेवार है उसको पकड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर। मैं आया था उस दिन भी आया था भाई, मैं कह रहा हूँ ना ऐसे बहुत से केसेज हैं जिसमें आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये पुलिस तो दिन भर हेलमेट चेक करने और कागज और प्रदूषण लगाया कि नहीं, प्रदूषण वाला में है कि नहीं, इसमें व्यस्त रहती है। इससे तो कोई मतलब नहीं है। और ये जो आपको क्राइम पेट्रोल गाड़ी है ये भी दिन भर वसूली में व्यस्त है, इस गली में कहाँ माल उतर रहा है पहुँच जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि हर तरह से खास करके व्यापारियों को ये ज़्यादा परेशानी है, और ये सुरक्षा के बदले आर्थिक विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आर्थिक लाभ कैसे हो इसमें इनका ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।